summons. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जब एक कार्यक्रम में भरे मंच पर मंत्री जी को गुस्सा आ गया, फिर क्या था, मंत्री जी ने उस कार्यक्रम के संचालक के हाथ से माइक छीनकर उस संचालक को धक्का दे दिए। दरअसल बक्सर के अहिरौली में सनातन संस्कृति समागम चल रहा है, जिसमें कई सारे गणमान्य पहुंच रहे हैं। केंद्र राज्य मंत्री अश्विनी कुमार भी पहुंचे थे। अश्विनी कुमार जब मंच पर पहुंचे, पोडियम का माइक खराब हो गया था, तो उस वक्त उन्हें इतना जोर का गुस्सा आया कि वो संचालक के हाथ से माइक छीन लिए और फिर उस संचालक को धक्का दे दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप इस वीडियो को देखिए। बस 2 मिनट में हमारे सांसद महोदय करेंगे, आगे कथा का कार्यक्रम चलेगी, तो 2 मिनट में अपने भावों को, बस 2 मिनट में बोलना तो हमेशा है, जब से सांस समाप्त है बोलना ही बोलना है, जब जब बोलने का मौका मिलेगा बस 2 मिनट। बिहार के अहिल्या की उद्धार स्थली बक्सर में चल रहे सनातन संस्कृति समागम कार्यक्रम के दौरान मंच पर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को गुस्सा आ गया। पोडियम पर लगी माइक खराब होने के बाद दूसरी माइक देने वाले के हाथ से माइक झटक कर धक्का दे दिए। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि पोडियम पर बोलने के लिए मंत्री जी जैसे ही पहुंचते हैं तो माइक से आवाज नहीं आ रही होती। इसके बाद पहले से पोडियम पर वक्तव्य देने के लिए खड़ा व्यक्ति तेजी से जाकर मंत्री जी को दूसरा माइक देता है। इतने में ही मंत्री जी उसके हाथ से माइक को झटक कर कुछ बोलते हुए धक्का दे देते हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं, लोग इस पे तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। दरअसल बक्सर के अहिरौली में हो रहे सनातन संस्कृति समागम पर देश की निगाहें टिकी हुई है। इस सनातन संस्कृति समागम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 9 राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा, 5 राज्य के राज्यपाल, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी शामिल होना है। इसी बीच केंद्र मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बक्सर में 7 नवंबर से ही श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से सनातन संस्कृति समागम के साथ संध्या में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है। 14 नवंबर को केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आगमन होगा। वहीं 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होगा। अहिल्या की उद्धार स्थली अहिरौली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होगा। तो देखिए, 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर दिन अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और कई सारे गणमान्य पहुंच रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे भी पहुंचे हैं। अश्विनी कुमार चौबे जब मंच पर पहुंचे, पोडियम के सामने पहुंचे और उन्हें कुछ बोलना था, उस वक्त जब उन्होंने माइक पकड़ा तो माइक खराब थी, इसलिए उन्हें इतना जोर का गुस्सा आया कि वहाँ पास में खड़े व्यक्ति के हाथ से उन्होंने माइक झटक कर छीन लिया और छीन कर उस व्यक्ति को जोर से धक्का दे दिया। उसके बाद आपको बताया कि जो ऑडिटोरियम में जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग थे, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने इस पूरे ये जो पूरा घटना हुआ इसका वीडियो बना लिया और वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, इस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं, लोग तरह तरह के से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।